एक बार बता तासा है नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल. सो आज हम जा रहे हैं मॉल. तो जो मैंने याद है ना आपको फुटवेयर दिखाई थी मोची वाली, एक तो ब्लैक चाहिए या फिर वो चाहिए. तो मेरे को है डॉक्टर सोल, मतलब जो रेगुलर पहनने के लिए मैं यूज़ करती हूँ ना, वो मैं फैंसी फुटवेयर यूज़ नहीं करती हूँ. मुझे ऐसा है कि भाई स्लिप नहीं होना चाहिए, फिर मैं उसको पहन करके लोकल में भी चली जाऊँ, पानी वाली जगह पर भी चली जाऊँ, इस तरह की एक मेरे पास रेगुलर स्लिप वेयर होती है. तो कल मैं तो ऐसे बोल रही है जैसे कि डेली लोकल में सफर करती है. अरे पांच साल में पांच बंदी बैठी इंसान लोकल में, पांच साल पांच बार नहीं बैठी, खुद नहीं बैठे हो गई शान आई, खुद नहीं बैठा होगा. मैं तो बैठी हुई और मुझे तो मजा भी आता है. हाँ मैं पीक टाइम पे नहीं जाती हूँ, मतलब कहीं मार्केट वार्केट जाना हो तो लोकल, मतलब मैं एक बात बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है. मैं एक बात बता रही हूँ तो हम लोग जा रहे हैं तो हाँ यहाँ से जा रहे हैं तो वहाँ जे उसमें खा सकती हूँ मैं फ्रेंच फ्राइज, चिपोटले चीज, चिपोटले चीज, पेरी पेरी. क्या होता है चिटपोले होता है कि चिपोटले होता है वो भूल गई मैं. सोच रही थी विक्की ने मुझे बताया प्रॉमिस किया था आईफोन 11 लेने के टाइम पे कि नहीं, सबसे पहला बताती हूँ एकदम जो है वो विक्की ने मुझे शादी में गिफ्ट किया था 6S. तो उसमें फर्स्ट आईफोन जो मेरा था, इसका पास एक 4S भी था, तो वो तो मैं वो यूज कर रही थी. उसके बाद मेरे पास आईफोन 6S आया था. फिर उसके बाद इसको दिख गया ये चीज, क्योंकि शुरू में मैं ना वीडियो भी, मेरे पास कैमरा था बड़ा वाला DSLR था, बट मैं जो वीडियोस बनाती थी ना वो मोबाइल से ही बनाती थी, मोबाइल में ही एडिट करती थी. तो मैं पूरे टाइम ना ऐसे घुसी हुई रहती थी, गर्दन मेरी और छोटी स्क्रीन रहती थी. तो इसने मुझे बोला कि चलो आईफोन 7 में अपग्रेड कर लो. तो मैंने ना आईफोन 7 नहीं 8 लिया था. हाँ उसके बाद 8 लिया था, 8 लिया था 7 लिया था, आई डोंट नो, दोनों में से 7 प्लस लिया था, प्लस लिया था मैंने बड़ी स्क्रीन वाला. अब मैंने प्लस ले लिया, फिर मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था. मैंने कहा यार ये क्या इतना बड़ा चप्पल जैसा लग रहा है, ना उसको पॉकेट में रख पाते हैं ना हाथ में रख पाते हैं, और ये और फलाना और ढिमकाना. तो मैंने ना फिर आईफोन 10 ले लिया. फिर जैसे ही आईफोन 10 ले लिया, आईफोन 10X जो भी है वो 10 ही बोलते थे उसको, बट हाँ आईफोन X था वो. तो आईफोन X ले लिया, वो यूज करा. फिर उसमें ना हुआ क्या था उसके साथ कि वो दो बार इस तरीके गिरा, बहुत बार था वो मेरे हाथ से, पर थैंकफुली वो टूटा नहीं. तो जब वो गिरा ना एक बार, तो उसकी यहाँ के जो स्पीकर होता है वो, मतलब आप फोन पे लगाते तो वो आना बंद हो गया. तो मैं स्पीकर पे बात करती थी उससे. मैंने उसको चेंज कर दिया जैसे ही आईफोन 11 लॉन्च हुआ. लॉकडाउन में मैंने आईफोन 11 परचेज किया था, शॉप खुलवा करके एक भैया से बात करके लोकल शॉप से उनसे अरेंज करवाया, और मैंने आईफोन 11 लिया. और वो भी मैंने बहुत टाइम बाद लिया था, ऐसा भी नहीं कि तुरंत लॉन्च हुआ है तब लिया. तो 74800 का मैंने आईफोन 11 लिया था, मुझे याद है इसका प्राइस. और विद इन 3 मंथ्स में उसका प्राइस गिर करके 56,000 हो गया. तो मतलब मुझे इतना दुख हुआ था. तो मैंने बोला यार अब मैं लूंगी नहीं, अब मैं ना ऐसा करा करूंगी जब नया फोन लॉन्च होगा तो उसके बाद का जो पुराना होगा ना वो ले लिया करूंगी. तो ये स्टोरी है. ये मैं क्यों बता रही थी, ये मैं बात भूल गई हूँ. तो मैं इसलिए बता रही थी कि विक्की ने मुझे प्रॉमिस किया था कि आईफोन कौन सा आप दिलाओगे, आईफोन 13 ये दिलाएगा जब लॉन्च हो जाएगा. ये इसने तब बोला था 7 के टाइम पे, 10 ले लिया 11 ले लिया तो इसने ये बुकर गया. अब ये मुझे बोलता है, इसने तब 11 या 10 के टाइम पे 14 बोल दिया था, अब 14 लॉन्च हो गया है तब भी ये मुकर गया, कहता 15 दिलाऊंगा. ऐसा कुछ बोला नहीं है, ये इतना झूठा है. क्या करती हूँ, कोई भी बात हम लोग बोलते हैं ना तो एक दूसरे को कैमरा ऑन करके हम रिकॉर्ड करते हैं कि देखो ये बोला था आपने, कि ऐसा बोला था. दूसरे को करते हैं मतलब दोनों ही झूठे हुए ना, ये बड़ी झूठी. यहाँ से सीधा सीधा न्यू मार्केट नहीं जाना है. साड़ी वाड़ी देखने अपन बहुत लेट हो जाएंगे. साड़ी अभी नहीं देखता है मुझे ऐसा लगता है मुझे. हाँ तो 4 दिन हो गए यार. तो आप पहले जो ये चेक कर लीजिए, मैं DB गई थी तो हम लोगों ने विक्की की दिवाली की शॉपिंग हो गई है. मैंने जो फुटवेयर लेना था वो मोची वाले वो मैंने ले लिए हैं. उसके बाद हम लोग मीना बाजार गए थे. अभी मैं कलेक्शन देख करके मुझे मजा ही नहीं आया. मैंने आपको बताया कि ना एक साड़ी मैंने देखी है जरी, कॉपर जरी वाली, तो वो तो मतलब इतने मेरे दिमाग में बस गई है. तो विक्की बोल रहा है कि चलो चल के देख के आते हैं, अगर बहुत ही वाह है तो ले लेंगे उसको. बट फिर अभी आज टाइम नहीं, अभी पापा का आज थोड़ा कुछ मेडिकल से रिलेटेड काम होना है घर के अंदर, तो वो सब सामान लेकर के हम लोगों को जाना है घर पे वापस. I know that you feel all alone in this world, but you have to. Oh, yeah.
ये है चिपोटले चीज विद पेरी पेरी ऑन टॉप और ये विक्की का सामान है, ये उसने कुर्ता लिया है। हाई एवरी वन, गुड मॉर्निंग। आज है डे टू, मतलब आज हम लोग निकल रहे हैं मुंबई के लिए, तो पैकिंग वगैरह तो हो गई, आज सच कुछ लेके नहीं जाना है। बट अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, मम्मी और मैं, तो मेरी जो फ्रेंड है निशा, उनके आपने वो वाला व्लॉग देखा होगा, उनकी जो मम्मी है उन्होंने भी वहीं पर घर खरीदा है, तो आंटी घर पे शिफ्ट हो गए हैं। तो ऐसा होता है यूजुअली मैं वहाँ जाती हूँ तो एक आध दिन मेरा खाना वहीं होता ही होता है। तो अभी आंटी नए घर में शिफ्ट हो गई हैं तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं तुम मेरे घर में आना, तो मुझे उनके घर में जाना है। तो निशाद को मेरी ना टोरिंग्स बहुत पसंद आती हैं, तो उसने मुझे स्पेशली बोला है कि वहाँ से टोरिंग लेकर के आना, यहाँ पर डिज़ाइंस वगैरह अच्छी मिल जाती हैं। ऐसा वहाँ पर भी डेफिनेटली मुंबई में सब मिलता है, बट सब बहुत इतना दूर दूर रहता है कि इंसान सोचता है कि यार अभी इतनी सी चीज़ लेने जाने के लिए यहाँ भटकना पड़ेगा, वहाँ भटकना पड़ेगा। सो दैट्स वाई वी आर गोइंग देयर। तो मम्मी को लेके जा रही हूँ मैं, क्योंकि गई थी न्यू मार्केट। सो दिस इज़ द न्यू मार्केट ऑफ भोपाल, बहुत ही फेमस मार्केट है, ये लोकल मार्केट है। आपको यहाँ पर सस्ती से सस्ती चीज़ें भी मिलेंगी, महंगी से महंगी चीज़ें भी मिल जाएंगी, और बहुत सब कुछ मिल जाता है, मतलब आपको पूरी दुनिया यहाँ पर मिल जाएगी। सो ये मैं एंटर कर रही हूँ और बहुत सही मार्केट है यहाँ पर, हम लोग बचपन से ही आ रहे हैं। तो एक्चुअली मैं तो टोरिंग्स के लिए मेरे जो ज्वेलर हैं वो बिल्कुल अलग हैं, और मैं पर्टिकुलर इन्हीं ज्वेलर से टोरिंग्स यूजुअली लेती हूँ, अगर और हम लोग साल में एक ही बार लेते हैं, तो क्या होता है ना हम लोग इकट्ठी ले लेते हैं, मतलब मैं तो इकट्ठी ले लेती हूँ और फिर जो पसंद आती जाती है वो पहनते जाओ। तो इनके यहाँ का जो चांदी है, जो सिल्वर है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का निकलता है। एंड लुक एट दिस पिंक एंड पर्पल, ये तो मैंने परचेस करी है। तो मैंने सेलेक्ट कर ली है थोड़ी सी, ये जितनी भी दिख रही है ना ये आंटी और निशा की है, और ये हम लोगों ने मैंने अपने लिए सेलेक्ट करी है, और एक आध उसमें मम्मी की भी है। तो जब मैं नेक्स्ट व्लॉग में उनका रिएक्शन जरूर दिखाऊंगी। दे वर सो हैप्पी, उन्होंने मेरे को और बोला लाने के लिए 25 to 30 पेयर अगेन। उसके बाद फिर हम लोग ऐसी नॉर्मल दिवाली का जो ये दिया वगैरह है वो शॉपिंग कर रहे थे, एंड वो करने के बाद फिर हम घर आ गए, क्योंकि मेरी ट्रेन थी और ट्रेन होती उससे पहले मुझे ना नेल पेंट लगाना था, तो बस वही लगा रही हूँ मैं, थोड़ा सा जेल नेल पेंट। तो उसको लगाने के बाद ना पहले आपके नेल्स को थोड़ा सा बफ करना पड़ता है, ऊपर की जो लेयर है वो थोड़ी हटानी पड़ती है, फिर एक बेस कोट लगाना होता है, बेस कोट लगाने के बाद जो आपकी नॉर्मल नेल पेंट है वो लगानी होती है, फिर ड्राई करना होता है, फिर वो मशीन के अंदर हाथ डालना होता है। तो इसके ऊपर ना मैंने पूरा एक वीडियो डेडिकेटेड बनाया हुआ है, तो इफ इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। निकल गए हैं हम रेलवे स्टेशन के लिए ऑटो में, और ये रहा विक्की, एंड यस लेट्स गो टू मुंबई। पर विक्की अपनी बुक रीड कर रहा है और मैं अपना न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ। मैं कुछ ना ऐसे निकालती ही रहती हूँ, मतलब मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ, एक घंटा किसी ना किसी की ग्रिड निकालती रहूँगी या कुछ ना कुछ निकालती रहूँगी। तो ऐसा सेल्फ प्रैक्टिस चल रही है मेरी, और अब हम लोगों ने बिस्तर वस्तर कर लिया है, सो रहे हैं आराम से, और ये हम पहुँच गए हैं मुंबई। हम सुबह 7:15 बजे पहुँचे थे, एंड लुक एट दिस, मतलब आप लोगों को देखिए यहाँ पर, इसलिए ये ना सिटी मुझे बहुत पसंद है, लोग बहुत मेहनती हैं यहाँ। लाइफ में आप कभी भी परेशान हो ना तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर आकर के आधे घंटे के लिए बैठ जाइए, स्पेशली मुंबई की बात कर रही हूँ मैं, आपको अपनी जो परेशानियाँ हैं ना वो कम लगने लगेंगी। कि आप कंप्लेनिंग मोड में जो रहते हो ना, भगवान से बोलते हो ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, आप थैंकफुल होने लगोगे, मतलब आप इतनी सारी चीज़ें उस आधे घंटे में देख सकते हो। उसके बाद हम आ गए हमारी कॉलोनी, हमारी कॉलोनी एकदम ब्यूटिफुली दुल्हन की तरह सज गई है, मतलब इतनी सुंदर लग रही है पूरे। देखिए मैं अभी स्लोमो में आपको दिखाती हूँ, जो इवन पूरे ट्रीज़ है ना, पूरे रोड्स पे इस तरीके से ट्रीज़ पे, रोड्स पे छोटी छोटी सी छतरियाँ और टोकरी और लाइट्स डेकोरेट किया हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ऑल दो मैंने ऑन होते हुए नहीं देखी अभी, बट मैं इमेजिन कर पा रही हूँ कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगी ये रात में। तो एक्चुअली हम लोग घर पहुंच गए हैं और घर की हालत काफ़ी बेटर थी, मतलब इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं थी अभी। हाँ थोड़ा तो, मतलब अभी बंद रहता है तो थोड़ा होगा ही। और ये देखिए, मैं यही इसी का मुझे डाउट था, मैं पूरा पैक करके गई थी, विक्की ने सब ओपन कर दिया, अभी इस पर डस्ट बैठ गई होगी। तो मैं प्रॉपर अभी सोफे की डीप क्लीनिंग वगैरह, वैक्यूमिंग वगैरह सब करूँगी, एंड थैंकफुली
थैंकफुली लिटरली प्लांट्स को भी मैं थैंक यू बोल रही थी कि बिना पानी दिए रेगुलर भी बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, मैनेज्ड है, खुद से ही मैनेज्ड हो रहे हैं एंड फल फूल भी रहे हैं. कुछ डेफिनेटली डेड हो गए हैं लेकिन बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनमें इवन नई जो लीव्स हैं वो आ गई हैं, नए रूट्स आ गए हैं. मैं आपको दिखाऊंगी बाद में आराम से. हाई एवरीवन, सो फाइनली रीच्ड एट होम. अब अनपैक करते हैं सारी चीज़ें. तो जो मुझे यहाँ पे छोड़ना है वो मैं यहीं छोड़ के जाऊँगी. मैंने अपनी जो हेल्पर है उसको बोल दिया, शी इज अमेजिंग यार. मतलब अभी इतने टाइम से हम लोग 3 मंथ से मतलब 15 डेज में आ रहे हैं, तो जब बुलाते हैं तब आ जाती है. तो शी इज़ ग्रेट. अभी मैंने उसको कॉल किया हुआ है. तो अभी मैं घर की थोड़ी सफाई करूँगी क्योंकि मुझे दिख रहे हैं ऑब्वियसली, मुझे जाले वाले दिख रहे हैं क्योंकि अब वही है. मेरे को पता था ये चीज़ कि इतनी डीप क्लीनिंग नहीं होती होगी. अब नया घर है और आप इतने दिन बंद रखोगे तो थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली होगा ही होगा. तो वो सब अभी मैं क्लीनिंग वगैरह करने वाली हूँ. और यस, ये ना ये है हमारा मतलब मेरा सामान जो मैं लेकर के आई हूँ. तो ये सब यहीं छोड़ने वाला सामान है. दूसरी चीज़ मैं ये देखिए ये क्या लाई हूँ. सो दीज आर द ग्लासेस. ये कांसा है और ये इतने हैवी ग्लासेस हैं, मतलब लिटरली इतने हैवी ग्लासेस हैं कि मैं क्या बताऊँ. तो ये विक्की के जो दादाजी हैं ना, दादाजी ना उनका नाम लिखा हुआ है, तो ये उनको मिले उनके ग्लासेस हैं. तो ये कांसे का एक कटोरा है. वो एक्चुअली हुआ क्या, मेरे जो फादर इन लॉ है उनका बहुत क्लियर फंडा होता है, भाई जो चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे हो वो घर में रखना भी नहीं है. अब वो किसी की भी निशानी हो ठीक है. तो मेरे यहाँ मेरी दादी सास जो है उनके भी ऐसे हांडे वांडे रखे हुए होंगे, भगोनी और ये सब तपेली वपेली जो होती है ना पुराने जो लोगों के कांसे के बर्तन. तो उन लोगों ने बहुत सारे कांसे के बर्तन तो सेल आउट कर दिए, मतलब बेच दिए, और एक बचा हुआ है. और ये दो ग्लासेस भी थे, तो वो ये ग्लासेस भी किसी को देने वाले थे, डोनेट करने वाले थे या बेचने वाले थे जो भी है. तो जैसे ही मैंने सुना मैंने कहा यार कांसा बहुत अच्छा होता है. मतलब इन जनरल जो होता है ना कांसा, एक तो बहुत एक्सपेंसिव आता है सबसे पहली चीज़, और दूसरा कांसे के बर्तन में पानी पीना बहुत अच्छा होता है. कांसे में खाना खाना, कांसे में पानी पीना, ये सब चीज़ें. तो कांसे को आयुर्वेदा में बोला जाता है कांस्यम बुद्धिवर्धकम, मतलब होता है ये आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को, आपकी बुद्धि को एनहेंस करता है. कांसा में खाना खाना या पानी पीने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है. इवन ये ब्लड प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है. तो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. आप सोचो हमारे जो पुराने लोग थे वो कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि वो किस तरीके की चीज़ें यूज़ करते थे. ये डैमेज होने के बाद भी इक्वली वैल्यूएबल होता है. 90% जो कांसा होता है ना वो रिसाइकल हो जाता है. तो ये हेल्थ एंड एनवायरमेंट दोनों के लिए ही कितना ज़्यादा बेनिफिशियल. हम लोगों के कल्चर में तो पहले कांसा पीतल यही सब यूज होता था दादी लोगों के ज़माने में. फर्स्ट जिस कंपनी ने एल्युमिनियम के बर्तन निकाले थे ना उनका नाम देखना, इट्स अ फॉरेन कंपनी, बाहर की कोई कंपनी थी. और इसके पीछे की एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी वो मैं आपको बताती हूँ. वो हुआ क्या था, जो फॉरेनर्स है ना वो हमारे यहाँ रूल कर रहे थे, जब इंडिया में ये लोग रूल कर रहे थे तो ये लोग काल कोठरी में भेज देते थे हमारे जो भी जेल वेल में बंद करते थे या किसी को भी, तो लोग काल कोठरी में बंद करते थे. तो जो भी जेल होती थी काल कोठरी में जहां पर ये बंद करते थे इंडियंस को, तो वहां के इंडियंस क्या होते थे, बहुत एनर्जेटिक होते थे. जेलर्स होते थे, फॉरेन जेलर्स होते थे, ये बड़े परेशान हो जाते थे इंडियंस से कि यार इन लोगों में इतनी एनर्जी रहती है, इतनी इनको तो अपन खाना भी ढंग से नहीं दे रहे हैं फिर भी ये लोग इतने एनर्जेटिक रहते हैं. तो ये लोग एकदम नाक में दम परेशान हो जाते थे इंडियंस से. तो इन लोगों ने क्या किया, बर्तन चेंज करे और एल्युमिनियम की जो प्लेट्स होती है ना, जो आपने देखा होगा जेल में एल्युमिनियम की प्लेट्स में खाना दिया जाता है ना, तो इन लोगों ने सारे बर्तनों को एल्युमिनियम से रिप्लेस कर दिया. और धीरे धीरे देखा गया 5 साल में 6 साल में कि इन लोगों की जो एनर्जी लेवल है वो कम होने लग गया, थकने लग गए, उनको बीमारियां होना स्टार्ट हो गई. ठीक है, तो ऐसी एक स्टोरी है. तो फॉरेनर्स ने एल्युमिनियम के बर्तन इंडिया में इंट्रोड्यूस करे थे, इतने कम प्राइस में लॉन्च किया था कि सब जगह फिर एल्युमिनियम की कढ़ाइयां आई. सस्ते कितने आते हैं एल्युमिनियम के कुकर कढ़ाई ये सब. सो दिस इज द रीजन. तो एल्युमिनियम इज अ स्लो पॉइजन फॉर योर बॉडी. आपकी बॉडी को धीरे धीरे, अभी भी देखना बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे मेरे मदर इन लॉ बोलते हैं अरे इतने साल से खाते तो आ रहे हैं कोई दिक्कत हुई क्या. फिर मेरी मदर इन लॉ ने एग्जांपल दिया कि कहां दादी के टाइम पे कहां खाते थे, उनके तो बर्तन ऐसे थे ही नहीं, आयरन के बर्तन होते थे या इसके बर्तन होते थे. सो एक्चुअली में एल्युमिनियम बहुत पुराना नहीं है, ये बीच में इंट्रोड्यूस किया गया है और वो भी कोई फॉरेन कंपनी ने एल्युमिनियम लॉन्च किया था. सो स्टिल इसलिए मैं अभी भी मैं ये बोलूंगी कि अगर आपके अभी भी एल्युमिनियम के कोई भी बर्तन आप यूज करते हैं ना रेगुलर बेसिस पे, स्टॉप यूजिंग दैम. आप थोड़े पैसे अपने कपड़े मत लीजिए या कोई एक्सपेंसिव चीज़ ना लेकर के आप बर्तन पे इन्वेस्ट करिए, बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट वो है, मतलब बर्तन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एंड आप जब भी एल्यूमिनियम का जिस वेट पे आप लेंगे ना और आप उसको 1 साल बाद भी वो तुलवाएंगे, जितना वेट उसका वेट कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आप जब
आपका जो एल्यूमिनियम आपने देखा होगा, आप जहाँ जहाँ करची चलाते हो उससे छोटे 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 छेद हो जाते हैं, तो वो सब कहाँ जाता है? वो आपके खाने में मिक्स होता है और आपके पेट में आता है। बैक टू द स्टोरी, तो वो जो कांसे की चीजें थी वो दे रहे थे तो वो मैं लेकर के आ गई। सो मैं ये दो ग्लास लेके आई हूँ। अब मुझे ये जरूर बताना कि इसको क्लीन कैसे करते हैं। जैसे पीछे से मेरी, मैंने थोड़ा पीताम्बरी से क्लीन करके देखा तो साफ तो हो गया है, बट ये अंदर से और क्लीन करना और चमकाना हो इसमें, जैसे छोटे छोटे से ना ब्लैक कुछ कुछ स्पॉट लगे हुए, ये कैसे क्लीन होंगे? तो मैं जब आ जाऊंगी ना यहाँ पे रहने के लिए, तब मैंने सोचा है कि मैं और कांसे की चीज़ों में इन्वेस्ट करूंगी। उसके बाद मैं अपना वो जो फ्रेम वगैरह मुझे गिफ्ट आई थी वो मैं लेके आ गई हूँ यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें यहाँ लेके आ गई हूँ। मेरा हेयर ड्रायर लेके आ गई क्योंकि वहाँ पर भी हमारे पास एक हेयर ड्रायर है, तो बस इनको रखते हैं इनकी जगहों पर। तो क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दी है अभी, मुझे बहुत सारी चीज़ें करना है। मुझे जाना है हेयर कट कराने के लिए, फिर शाम को मैं आंटी का घर देखने के लिए जाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, उनका रिएक्शन देखूंगी, उन लोगों को जब मैं टोरिंग्स बताऊंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, बिकॉज ये व्लॉग नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। और हाँ, क्लीनिंग डस्टिंग वस्टिंग सब बिल्कुल एक नंबर चमका के घर आ चुकी हूँ मैं। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेंगी, तो देखना भूलिएगा मत। मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय।